हेलो एंड वेलकम टू द सेशन हम लोग क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री एन सी कर रहे हैं आर पास टू विच इज़ अबाउट मेडिवल इंडिया और इस सेशन में हम लोग जैसे नाम है हम लोग रीजनल कल्चर्स को कवर करेंगे अब ये नॉर्मली हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं सी सी आर पढ़ते हैं कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन दिया होता है ऐसे ऐसे होता है बोरिंग होता है वो इस एन के अंदर आपको रीजनल कल्चर्स के बारे में बता रखा है वो कैसे इवॉल्व हुए उसके बारे में बता रखा है ठीक है तो लॉजिकली आपको सोचना सिखा रहा है इस चैप्टर के अंदर अब इसी रेफरेंस में लेट मी जस्ट टेल यू हम लोग क्या क्या करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे मलयालम लैंग्वेज आई सो बेसिकली हाउ अ रीजनल लैंग्वेज एट इमर्ज सो इट इज नॉट जस्ट अ केस ऑफ मलयालम बट ऑल्सो मेनी अदर रीजनल लैंग्वेज दैट वी हैव इन अ कंट्री राइट सो द इमर्जेंस ऑफ द मलयालम लैंग्वेज ठीक है इसके ऊपर एक प्रम्स में क्वेश्चन भी आ रखा है नेक्स्ट इज हाउ अ लोकल गॉड लोकल गॉड गॉड ऑफ ओरिसा दैट इज लॉर्ड जगन्नाथ ही इमर्जेस लॉर्ड जगन्नाथ इमर्जेस एज अ वर्जन ऑफ लॉर्ड विष्णु सो वी विल लर्न अबाउट द कल्ट ऑफ जगन्नाथ तो हम लोग गॉड के परस्पेक्टिव से सीखेंगे कि कैसे एक कल्चर डेवलप हुआ है पे नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड वी लुक एट द स्टोरी ऑफ कथक तो आर्ट फॉर्म एक द कथक इज बेसिक बेसिकली द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया वन ऑफ द क्लासिकल डांस तो ये कथक कैसे इवॉल्व हुआ सो वी आर जस्ट लुकिंग एट यू नो अलग अलग थीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि रीजनल कल्चर इवॉल्व कैसे हो रहा है यहाँ पे सो स्टोरी ऑफ कथक एंड देन मूविंग फॉरवर्ड द अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ द राजपूत्स तो एक पर्टिकुलर जोग्राफी है राजपूता राजस्थान जैसे आज कहते हैं राजस्थान सर्टन पार्ट ऑफ गुजरात एंड मालवा रीजन तो जिसको राजपूताना कहा जाता था जहाँ राजपूत से तो वो ट्रेडिशन कैसे आया वो उसी जोग्राफी में क्यों है सो so, इस एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे सो वेरी इंसाइटफुल दिस इज एंड देन मूविंग फॉरवर्ड वी विल लर्न अबाउट द मिनि पेंटिंग्स ठीक है आपने देखे होंगे कभी कभी स्पेशली uh, राजस्थान साइड में आप जाते हैं या फिर मुगल्स के कम्पार... उसमें आपने एन में भी देखी होगी छोटी 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 फोटोज इमेजेस बना रखी है छोटे छोटे जैसे पेज के अंदर एक आ जाए एक होता है दीवार पे बड़े बड़े बनाए वो नहीं जो पेपर के अंदर आ जाए तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रखी होती है तो मिनी नेचर पेंटिंग एंड लास्टली वी विल लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ बंगाल तो आर्ट एंड कल्चर हो गया रेवोल्यूशन ऑफ़ द बंगाली लैंग्वेज हो गया उनका आर्किटेक्चर हो गया दो चाला चार चाला तो वो सब एस्पेक्ट्स इस एन के अंदर करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी रिच सोर्स और इसमें से प्रिलिम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आए हैं ठीक है आए हैं और आएंगे भी आगे चल के और इसी रेफरेंस में हम जब ये आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने का जो तरीका होता है ना वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसको पढ़ते हो आप उससे फील करते हो आप उससे रिलेट करते हो सो वॉट आई वॉन्ट इज दैट जैसे कि हम लोग कथक के बारे में करेंगे तो YouTube पे देखो कथक के बारे में क्या होता है बाकी क्लासिकल डांसेस के बारे में देखो तो इनकलकेट अ सेंस ऑफ curiosity तो उससे आपको प्रिलियम्स में सोचना आएगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो चलिए हम लोग पहले तो एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि रीजनली हम लोग लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं अब मेरे जैसों को तो जैसे मीम विद माई अटायर राइट आई एम वेर एवर आई एम देयर दे से यार तू तो पंजाबी है इवन इफ यू नो दे हैव अ फैमिली इन महाराष्ट्र तो वो महाराष्ट्र के है बट बिकॉज दे वेयर दिस अटायर दे वेयर अ टर्बन तो पंजाबी सो वी एसोशिएट पीपल विद द लैंग्वेज दे स्पीक और उस लैंग्वेज से हम उनकी ज्योग्राफी भी डिफाइन कर लेते हैं ठीक है तो यू कॉ गेटिंग द पॉइंट एक लैंग्वेज जो लैंग्वेज हम बोलते हैं हमारे रीजन कंट्री के अंदर कितने सारे रीजन है तो उस रीजन में अलग अलग लैंग्वेज है राइट right? और उसी से हम एसोशिएट करते हैं बट बियॉन्ड दैट लैंग्वेज हर जगह का खाना अलग अलग है आई हैव स्टूडेंट्स इन और वो बताते हैं कि हमारे में ये यूनिक चीज़ें मिलती है हमको जो बाकी जगह नहीं है वहाँ के कपड़ों का पहनावा अलग होता है नॉर्थ ईस्ट का देखो नॉर्थ ईस्ट और मेन उसका काफ़ी अलग है लाइक वाइज आर्किटेक्चर भी काफ़ी अलग हो जाता है सो एज यू मूव टू डिफरेंट पार्ट्स आप एक्सप्लोर करते हो कंट्री को आप देखोगे कि कितनी कितनी वेरिएशंस है इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ठीक है तो ये यहाँ पे बता रखा है अब इसी रेफरेंस में एक इंपॉर्टेंट थिंग थीम है हिस्ट्री के अंदर दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन द जोग्रफी एंड हिस्ट्री ऐसा क्योंकि पंजाब पंजाब Punjab में पंजाबी मतलब ऑब्वियसली पंजाब पंजाबी ही नाम आया उसका स्टेट का पर ऐसे क्यों है कि अलग अलग जोग्राफीज में अलग अलग लैंग्वेज है यहाँ पे एक ही लैंग्वेज क्यों नहीं हुई यहाँ पे एक ही कल्चर क्यों नहीं है हर एक जगह पे देर मस्ट भी रीजन फॉर इट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर इस्ट इज जोग्राफिकल बैरियर्स तो वो बैरियर्स ने टू एंड फ्रो मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया ठीक है तो लोग पीपल वर लॉक्ड इन दैट प्लेस और उसकी वजह से रीजनल कल्चर्स डेवलप हुए कहीं कहीं आप यूपी के अंदर देखिए देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिंदी मतलब विद इन द स्टेट ओनली यू विल फाइंड डिफरेंट लैंग्वेजेसिंग स्पोकन इवन दो हम उसको हिंदी पिल्ड कहते हैं पर बोली अलग अलग है हर जगह की क्यों बिकॉज दूरियाँ हैं वहाँ पर जोग्राफिकल बैरियर्स आते हैं ओवर एयर सो इट डेवलप्स अब ये बैरियर इतने भी मुश्किल नहीं थे कि लोगों का इंट्रैक्शन नहीं हुआ सो देर इज़ अ फ्यूजन दैट इज टेकन प्लेस तो रीजनल डेवलपमेंट हुआ है एज वेल एज जो मेन स्ट्रीम जो कल्चर था जैसे कि बड़े बड़े किंगडम्स का था उसके एट्रीब्यूट्स वेंट टू द रीजन एज वेल एज रीजनल एलिमेंट्स वेंट इन टू द मेन स्ट्रीम सो दिस इज वॉट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ वॉन्ट्स टू कन्वे टू यू अब इसी रेफरेंस में टेल्स अस अबाउट द चेरस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मलयालम नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू एक बार इसको मैप ड्रॉ करते हैं सो केरला इज ऑबियसली द स्टेट ओवर हेयर राइट और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके जो वेस्टर्न घाट्स है वो ऐसे जाते हैं एंड देन वी हैव द ईस्टर्न घाट्स थोड़े इंटरमीडियंट है ब्रेक कर करके आते हैं सो नेचुर जो चोला जो तमिल हो गया आपका दैट रिमेन इन द ईस्टर्न पार्ट एंड जो वेस्ट हो गया दैट वॉज क्रिएटेड इन डिफरेंट कल्चर ऑल टूगेदर एक अलग किंगडम थी वहाँ पे चेहराज प्रीडोमिनेंट थे वहां पर एंड द इमरजेंस ऑफ अ न्यू लैंग्वेज नोन एज मलयालम अब जो आज मलयालम हम हम नहीं मतलब ऑब्वियसली जो आज मलयालम बोली जाती है वो काफ़ी डिफरेंट है वॉट इट वॉज अर्लियर वो ग्रेजुअली ओवर द टाइम इट डेवलप्ड कुछ संस्कृत के ट्रेडिशंस कुछ लोकल ट्रेडिशंस विद द टाइम दिस लैंग्वेज इवॉल्व और आगे होती रहेगी राइट सो दिस इज वॉट इट सेज ओवर हर तो चलिए देखते हैं एनसीआर क्या कहती है यहाँ पे सो लेट इस बिगिन बाई लुकिंग एट एन एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज एंड रीजन ये तो क्लियर हो गया लैंग्वेज और रीजन का जैसे यहाँ पर बताया था कि देखो वेस्टर्न घाट्स की एग्जाम्पल से दिखा दिया ठीक तो पालघाट आप क्रॉस करते हो जब तमिलनाडु से दैट इज एट द बॉर्डर आप क्रॉस करते हो तो आपको एक अलग कल्चर दिखता है ऑल टूगेदर केरला शुरू हो जाता है वहाँ पे सो द चेरा किंगडम ऑफ द माहुद्यापुरम ठीक है वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द नाइन्थ सेंचुरी एंड इन द साधन वेज पार्ट ऑफ द पेनसिला मतलब वो केरला वाला जो पार्ट हो गया और यहाँ पे एक अलग लैंग्वेज बोली जाती थी जिसको हम कहते हैं मलयालम ठीक है तो एक अलग लैंग्वेज थी और एक अलग स्क्रिप्ट थी आई होप दिस इज क्लियर टू यू दिस वॉट यू सी यूवर हेयर जैसे कि आप ये जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश स्क्रिप्ट हो गया वॉट इफ ए राइट मैं तुम्हारा टीचर हूँ मैं तुम्हारा अध्याप, अध्यापक हूँ ठीक है और मैं इसको ऐसे लिखूँ मैं सो आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बट मेरा जो स्क्रिप्ट है वो इंग्लिश है सो लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ठीक है राइटिंग इज स्क्रिप्ट हो गए नाउ द चेरास जो वहाँ पर जो बोली, जा, बोली जाती थी ऑब्वियसली कुछ लोकल लैंग्वेज थी वहाँ पर एंड देन दे वॉज द राइज ऑफ द सांस्कृतिक कल्चर तो सांस्कृतिक कल्चर जो था वो तो अक्रॉस द कंट्री वो स्प्रेड हो रहा था विद द इमरजेंस ऑफ बिग बिग एम्पायर्स ठीक है ब्राह्मणिकल कल्चर वो संस्कृत तो आ रही थी वहां पे सो देयर बाय सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द सांस्कृतिक ट्रेडिशन देवर इंकॉर्पोरेटेड इन टू द लोकल और द रीजनल लैंग्वेज एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस सबसे पहले देर वॉज दिस लैंग्वेज नोन एज मनी प्रॉब्लम ठीक है सो मनी प्रॉब्लम वॉज डेवलप्ड ये क्वेश्चन आ चुका है प्रॉब्लम्स में तो मनी प्रॉब्लम डेवलप हुआ विच वॉज मनी प्रॉब्लम जिसका मतलब है डायमंड्स एंड कोरल्स, रेफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज ठीक है तो एक बुक थी ऑन द ग्रामर लीला लीलाती लीलाती, लीलाती, लीलाती लाकम ठीक है लीलाती लाकम एक बुक थी जो एक ग्रामर के ऊपर बुक थी विच वॉज कंपोज इन मनी प्रवलम तो ये बुक मनी प्रवलम के ऊपर लिखी गई थी जिसका मतलब था संस्कृत प्लस रीजनल लैंग्वेज सो डायमंड्स एंड कुरल्स ठीक है सो दिस इवेंचुअली एंड इट्स केम टू बी नोन एज मलयालम ओके फाइंड आउट ये एक्टिविटी आप, आप प्लीज कीजिएगा इसको फाइंड आउट व्हेन द लैंग्वेजेस यू स्पीक एट होम वर फर्स्ट यूज्ड फॉर इंग्लिश ठीक है आप ओरिशा के होंगे आप मे बी ऑर फ्रॉम तमिलनाडु मे बी यू फ्रॉम पंजाब तो पंजाब का तो पिछले चैप्टर में ही था ठीक है तो आप देखिए गूगल कीजिए उसको अपने फैमिली में पूछिए थोड़ी पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है बेटा इंटरेस्ट बेटी इंटरेस्ट दे रही है ठीक है तो आप उसको वैसे यहाँ पे इसको पता कीजिए और एक फिल्म के लिए भी हेल्पफुल रहता है ये सब चीज़ें चलिए अब नेक्स्ट आता है द जगन्नाथा कल्ट सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ओडिशा द स्टेट ऑफ ओडिशा ओवर हियर ठीक है दिस इज द जगन्नाथ टेम्पल नाउ इट से

सो द लॉर्ड ऑफ दर्ल्ड एंड इट वॉज इट इज एसोशिएटेड विद लॉर्ड विष्णु तो इनका जो टेम्पल है दिस इज लोकेटेड इन पूरी ऑफ ओडिशा पूरी जो सिटी है वहाँ पर ओड़िशा के अंदर वहाँ पे ये लोकेटेड है अब ऐसे कैसे जगन्नाथ विष्णु कैसे ऐसे कैसे हो गया सोचने वाली बात है तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि मे बी दिस लॉर्ड जगन्नाथ राइट इट वॉज असोसिएटेड विद द लोकल ट्रेडिशन ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा तो उनके अपने उनके अपने पर्सनल लोकल डेटी थे वहां के जिनको वो लोग मानते थे पर बाद में बिकॉज ऑफ द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन लॉर्ड जगन्नाथ वॉज असोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णु तो उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया अंडर द हिंदू फोल्ड सो दैट इज वॉट इट इट इज सेवर ठीक है सो इन द ट्वेल्थ सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गंगा डायनेस्टी तो ये गंगा डायनेस्टी है जिनके राजा है अनंता वर्मन हुड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पूरी सो दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाय अनंता वर्मन हू वॉज द किंग ऑफ द गंगा डायनेस्टी ठीक है सो सब्सिक्वेंटली इन ट्वेल्थ थर्टी किंग अंगीमा थ्री डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डेटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डेप्टी ऑफ दी गॉड डेप्टी ऑफ विच गॉड लॉर्ड जगन्नाथ ठीक है क्यों करेंगे ऐसे बिकॉज यू डिवाइन स्टेटस रिमेंबर किंग्स क्यों मना रहे थे बड़े बड़े टेम्पल्स बिकॉज उनको अपने उनको एक लेजिटिसी चाहिए थी देडी दे वॉन्टेडिटी एंड देसोसिएटेड विद गॉड ताकि लोग उनको माने सो ज अ पॉलिटिकल डायमेंशन टू इट बाकी तो सोशल एंड इकोनॉमिक भी है जो हम सब कर चुके हैं अब ये जो लॉर्ड जगन्नाथ का जो ट्रेडिशन है कल्ट ऑफ जगन्नाथ ये इतना सिग्निफिकेंट था बिकॉज किंग जो थे यहाँ पे किंग अनंगा भीमा वो अपने आप को जो लॉर्ड जगन्नाथ का डिप्टी मान रहे हैं ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था तो इसका मतलब यह था इफ समी कंट्रोल्स दिस टेम्पल मतलब इट कंट्रोल्स द रीजन ऑल्सो एंड लाइक वाइज वेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ठीक है मुगल्स हो मराठाज हो या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो दे वॉन्टेड टू हैव सम्रोल ओवर द टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथा अब ये टेम्पल है ना बहुत इम्पोर्टेंट है प्रस के लिए बिकॉज न्यूज़ में रहते हैं ठीक है द ट्रेडिशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है ओवर दिस थिंग एंड प्लीज डू चेक इफ़ दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉट दिस इज योर होम बुक फॉर यू ठीक है यूनेस्को की साइट्स होती है आप प्लीज़ उनको चेक कीजिए अब यहाँ पे इस टेम्पल के अंदर वुड में बने हुए हैं तीन डेटीज तीन डेटीज का नाम है बलाभद्रा सुभद्रा एंड जगन्नाथा ठीक है तो ये वुड में बना रखे है ये पिक्चर है यहाँ पे लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट है ये तो हाथ से लिखे हुए मतलब हाथ से बनाए हुए हैं तो ये वुड से बना रखे हैं और ये वुड है तो टाइम टू टाइम ये चेंज होती है सो ओवर से ट्वेल्व ईयर्स नाइन्टीन ईयर्स दिस इज चेंज एंड दिस गोज़ थ्रू एक पूरी सेरेमनी होती है एंड दिस इज नोन एज द रथ यात्रा तो रथ में उनको लेके जाते हैं और फिर उनको रिप्लेस कर देते हैं और नई डेट ही वहाँ पर रखते हैं तो उसके लिए पूरी पूजा वगैरह होती है यहाँ पे ठीक है सो वन थिंग इज दिस अनदर अदर थिंग एसोसिएटेड विद द लॉर्ड दिस जगन्नाथ टेम्पल ओवर हेयर इज दैट इट इज वन ऑफ द चार धाम साइट्स रिमेंबर हमने लास्ट चैप्टर में शंकराचार्य के बारे में बात किया था सो शंकराचार्य हैड एस्टेब्लिश्ड उन्होंने कहा था देर वुड बी चार चार धाम्स होंगे तो वन ऑफ द धाम्स मतलब चार धाम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री तो अ पर्सन हु वांटेड टू अक्वायर द ज्ञान ज्ञान मार्ग उनको चारों धामों के चक्कर लगाने थे सो so ओरिसा में जगन्नाथ टेम्पल वॉज वन ऑफ द धाम बाकी तीन धाम कौन से हैं इंटरनेट गूगल ट्राई टू एसोसिएट योअर सेल्फ विद प्रिपरेशन नेक्स्ट है द राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म अब सबसे पहले तो ज्योग्राफी क्या है राजपूत की सो प्राइमरीली इट इज द मॉडर्न डे राजस्थान पर हमें पता है भाई कि जैसे गुर्जरा प्रतिहारास ठीक है तो वो पार्ट ऑफ गुजरात से कहते हैं एसोसिएटेड नदन गुजरात फिर मालवा ऑल्सो सो प्राइमरीली राजपूतान राजपूताना जैसा कहते हैं जिस जोग्राफी को कहते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी दैट इज एसोशिएटेड विद द मॉडर्न डे राजस्थान ठीक है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सेटल थे हु कॉल देम सेल्व दे लार्ज अमाउंट ऑफ प्लैंड एंड दे कॉल दम सेल्व एज Rajputs. अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि राजपूत व कम्युनिटी और उन्होंने ऑब्वियसली इनका जो ट्रेडिशन है कल्चर है उसने इस जोग्राफी को डिफाइन किया है हम कुछ भी होता है वहाँ पे पेंटिंग हो कोई भी चीज़ हो वहाँ पे हम उसके साथ एसोशिएट करते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि देवर द ओनली कम्युनिटीज एट व लिविंग ओवर देअ तो यहाँ पर काफ़ी सारे और डाइवर्सिटी है अलग डिस्टिंगटिव कल्चर है सो दीज कल्चरल ट्रेडिशंस व क्लोजली लिंकड विद द आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द रूलर्स बिकॉज द राजपूत वर द रूलिंग ओवर दियर्स और उनकी वजह से एक डिस्टिंग कल्चर यहाँ पे डेवलप हो गया था वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैमिलीज ओवर हेयर ऑफ द राजपूत वर द पृथ्वीराज ठीक है तो पृथ्वीराज चौहान बैटल ऑफ द रेन हमने पढ़ाए एंड बाकी सारे भी है काफ़ी सारे है, हमारे पास राना सांगा हो गया वी हैव दिस द फैमिली ऑफ चित्तौर हो गया महाराणा प्रताप हो गए तो काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे है अब इन रेफरेंस में जैसे पृथ्वीराज हो गया महाराना प्रताप पर्टिकुलरली फेमस सो देर इज अ कल्चर देर इज अ ट्रेडिशन दैट द राजपूत आर नोन फॉर देर ब्रेवरी फॉर द फाइटिंग स्पिरिट कि वो हार हार से बेटर है वो खुद दे विल प्रेफर टू डाई ऑन द बैटल फील्ड दे विल नॉट रिट्रीट सो समन समर्ट ऑफ बिलीफ इज देअर अबाउट देअर ग्लोरी ठीक है तो दीज स्टोरीज दी स्टोरीज ऑफ दे ब्रेवरी क्या शिवलरी सो ये जो स्टोरीज थी यहाँ पे देवर वेल डॉक्यूमेंटेड बड़े बड़े पोएम्स और गाने लिखे गए थे देवर बार्ड्स अबाउट इट बार्ड्स मतलब नॉर्मल जो लोग आपने देखा होगा कभी आप कोई राजपूत टाइप के रेस्टोरेंट में जाए या रंथमपुर या से रिथुम्बरा कोई भी जगह पर जाए वहाँ पे तो आप देखेंगे कुछ तीन चार लोग बैठ के ज़ोर जोर से गा रहे हैं वहाँ पे दीज आर नोन एज बार्ड्स नेट पे देखिए गूगल पे कैसे होता है बार्ड्स गाना कैसे गाते हैं वो लो? लोग तो उनमें वो लॉरल्स बड़े बड़ी, बड़ी बातें करते हैं किंग्स के बारे में अपने कि ऐसे था वो होता था वो यहाँ जाते थे लट जीत के आते थे तो ऐसी बातें करते थे so they talked about these and in these writings in these songs in these bards that they used to talk they expressed the kings and the people rajput peoples the sense of loyalty friendship love valor anger ठीक है तो इन सब के बारे में ये देखते थे अब इसी reference में अगर मैं बात करूँ तो so there is something known as पृथ्वीराज रासो राइट सो अगे एंड द वैलर एंड द लव स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान अब इसी रेफरेंस में इंपॉर्टेंट हम लोग इंक्लूसिविटी आजकल जेंडर पर्सपेक्टिव है सो वेयर वर वुमेन इन दी स्टोरीज हम तो ब्रेवरी करेज फाइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं सो वेर वर वुमेन तो वुमेन के रेफरेंस में इट्स बेसिकली सेन कूड बी अज फॉर द कॉन्फ्लिक इ द या तो किसी ने किसी की मतलब कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी राइट तो अलाउद्दीन खिलजी वेंट्स इन टू अटैक्स टू गेट द वाइफ ऑफ रतन सिंह तो एक हमारे पास ये हो गया हमारे पास पद्मावती रानी पद्मावती की स्टोरी हो गई वी हैव द लेसन ऑन पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान गेटिंग द डॉटर ऑफ जयचंद द गहड़वाल किंग सो द वुमेन कुड भी द कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट ईदर टू विन द एस प्राइज पोजिशन और टू प्रोटेक्ट वंस वुमेन ठीक है दूसरा आ रहे हैं और अपनी अपने लड़कियों को बचाना है अपने वुमेन को बचाना है सोसाइटी को बचाना है फ्रॉम द इंट्रूडर्स जो बाहर से अटैक कर रहे हैं सो वुमेन व डिपेक्टेड फॉलोइंग देयर हीरो हजबेंड्स दो हीरो हजबेंड्स इन बोथ लाइफ एंड डेथ डेथ में कैसे फॉलोइंग फॉलो follow करेंगे आपका किसी का हस्बैंड डेथ हो गई तो द वाइफ कमिट्स द जौहर शी बर्न्स अर सेल्फ एंड कमिट्स द जौहर या फिर सती कह लीजिए उसको सो दे वॉज द प्रैक्टिस ऑफ सती और द इमोलेशन ठीक है तो यहाँ पे ये बता रखा है अब आते हैं डांस नॉट ऐसे वाला डीजे वाला डांस नहीं बट तबले वाला डांस सो बियॉन्ड द रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक और ये सिर्फ तबले वाले डांस नहीं है हम क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं सो वन क्लासिकल डांस ओनली एस टेकन ऑफ दैट इज कथक एंड ये जो क्लासिकल डांस होता है इट इज असोशिएटेड विद अ सर्टन सेट ऑफ रूल्स ठीक है एक रूल्स होता है कि म्यूजिक कैसे बचेगा डांस इस फॉर्म में होगा यही तरीका है ये टेक्निक है उसके करने का रिलीजियस सब्जेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर सो देर इज अ डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स देर इज नोट रैंडमनेस ओवर हेयर ठीक है तो काफी इट इज डन बाई प्रॉपर प्रोफेशनल्स तो इसी रेफरेंस में वी हैव द स्टोरी ऑफ कथक तो काफ़ी सारे हैं हमारे पास क्लासिकल डांसेस हैं ठीक है सो वी हैव द भरतनाट्यम आप जोग्राफी देख लीजिए यहाँ पे तो भरतनाट्यम है हमारा तमिलनाडु के अंदर कथक केरला कत्थक द यूपी बेल्ट ठीक है उत्तर प्रदेश राजस्थान वो वाला बिल्ट है कथक नॉर्थ में है कथक कली इज केर, केरला ओडिशी ओडिशा ऑब्वियसली कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश एंड मणिपुरी इन सब के बारे में और इवन दो वी आर नॉट कवरिंग हेयर बट इन सब के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो ऐसा करते हैं ना हम लोग हम अभी कथक के बारे में पढ़ रहे हैं तो कथक के साथ साथ जो एस्पेक्ट हमने यहाँ पे फोकस किया सेम यू हैव टू कवर चलिए अब कथक के रेफरेंस में जब बात करते हैं कथक का नाम कैसे पड़ रहा है कथक में एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे कथा कथा का मतलब क्या होता है स्टोरी ठीक है सो कथक इज डिराइव फ्रॉम अ फ्रॉम अ वर्ड नोन एज कथा विच वॉज यूज इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज मीनिंग स्टोरी तो उसका मतलब है स्टोरी सो इट वॉज बेसिकली अ कास्ट कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेम्पल्स स्टोरी टेलर्स इन द टेम्पल्स तो डांस के फॉर्म से वो जो टेम्पल के अंदर मंडप होता है याद आ रहा है कुछ मंडप टेम्पल ठीक है ये आपका टेम्पल हो गया टेम्पल के अंदर ये हो गया गर्भगृह और ये हो गया मंडप तो मंडप हॉल वे हो गया जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स हो सकते थे या पीपल कुल असेंबल तो यहाँ पे दे वुड बी द फंक्शंस इन जहाँ पे स्टोरी बता रहे हैं स्टोरी ऑफ व्हाट मे बी अ रिलीजियस सब्जेक्ट टेम्पल के अंदर हो रहा है मे बी अबाउट कृष्णा कृष्णा एंड राधा उनकी स्टोरी बताई जा रही है तो ये NCRT से नहीं है नेट ओवर ठीक है तो स्टोरी पे बताई जा रही है। सो इट वॉज कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर बट ग्रेजुअली मोड ऑफ डांस एक डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस तो इसमें जनरली देवर राधा कृष्णा सो देवर इनैक्टेड सो लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा इनैक्टेड

ठीक है तो उस टाइम में काफ़ी सारे कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स इस्टेब्लिश किए गए थे अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कथक एंड इस रेफरेंस में इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द केस ऑफ वाजिद अली शाह तो वाजिद अली शाह हुज़ द नवाब ऑफ अवध अवध मतलब लखनऊ ठीक है तो जो नवाब थे वहाँ के उनको बहुत शौक था इन सब चीज़ों का तो उन्होंने इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया एंड द डांस फॉर्म ऑफ कथक वॉज फाइनलाइज्ड वो अपनी पीक पे पहुंचा इस टाइम के अंदर सो इट वॉज अंडर द लीडर अंडर द गाइडेंस ऑफ द नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह भाई तो वे वाजिद अली शाह के वाइफ थी बेगम हजरत महल हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द इन द 1857 फिफ्टी सेवन रिवोल्ट ठीक है सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है ट्रेडिशन और घराना तो बेसिकली सर्टन प्लेसेस जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहे कि देवर टू घरानाज तो वन वॉज द जयपुर घराना या द घराना ऑफ द राजस्थान एंड द अदर वॉज द अवध लखनऊ ठीक है तो अब वाजिद अली शाह ने अपने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बताया कि भाई तबला ऐसे बजना चाहिए ऐसे डांस होना चाहिए ये स्टोरी होनी चाहिए तो ऑब्वियसली वो वैसा बन गया राजस्थान में कोई और होंगे उन्होंने अपना वैसा बना लिया सो इट्स द फेमस वाला है दैट इज़ ऑफ जी वाजिद अली शाह एंड कथकली में कुछ नहीं होता मतलब बहुत कुछ होता है बट बहुत सिंपल है उसके अंदर सो देर आर मे बी ए सिंगल डांसर और देर आर टू डांसर्स ओवर हेयर बेसिकली टेलिंग अ स्टोरी कथा एंड साथ में दे मस्ट बी समी हु इज़ प्लेइंग द म्यूजिक और इसका एक रिमार्केबल फीचर है द जुगलबंदी बिटवीन द तबला प्लेयर एंड द डांसर तो यहाँ पे डांसर कैसे जोकलबंदी करता है तबला वाला अपना बजाता है एंड देन द द देन पर्सन इज डांसिंग मे बी द मैन ऑल्सो तो ये घुंघरू पहनते हैं और वो अपने पैर को बीट करते हैं तो इट इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द तबला प्लेयर एंड द डांसर सो बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी इट वॉज फर्मली इंटरेस्ट एज अ डांस डांस फॉर्म नॉट ओनली इन दिस टू रीजन्स that इज द जयपुर एंड द लखनऊ बट इन मैनी अदर parts ऑफ द कंट्री बट ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था लाइक मेनी अदर डांस फॉर्म जैसे कि इवन रास लीला उनको पसंद नहीं थी सो देर फोर द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक दिस ठीक है इनको ये पसंद नहीं था एंड देर फोर इट वेंट इन टू अट ऑफ अ डिस अरे बाद में ऑब्वियसली सर्टन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हुआ डीपली इंटरेस्टेड टू द इंडियन कल्चर दे वर्कड ऑन डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जैसे कि भरतनाट्यम के लिए रुक मिनी अरुण डेल वॉज देयर हु वॉज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ भरतनाट्यम उनके फॉर्म्स सो लाइक वाइज मनी अदर डांसर्स मैनी अदर पीपल हुआ इंटरेस्टेड एंड उनकी वजह से ये जो डांस फॉर्म्स इवॉल्व हुए यहाँ पर ठीक है तो वो वापस अपने वापस अपने फॉर्म में आए अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट करने के लिए अब मान लीजिए भंगड़ा भी होता है देखिए हम लोग पंजाब से तो भंगड़ा भी होते हैं यहाँ पे आप कहीं और में कुछ हो और होता है सो देर आर सो मेनी अदर डांसेज दैट टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर रीजन पर ऐसा क्यों है कि भरतनाट्यम कथकली ये जो आपको छः जो डांस फॉर्म्स दिख रहे हैं एक दो तीन छः है कथक भी है ना तो छ हो गए टोटल तो छः को उनको बोल रहे हैं कि ये क्लासिकल डांस है बाकी फोक डांस है तो यहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ पूछ रहा है द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल इज ऑफन क्वाइट कॉम्प्लीकेटेड तो किन फॉर्म्स से पूछना चाहिए इज़ इट सब्जेक्ट टू रिलीजियस थीम ठीक है रिलीजियस थीम कवर करता है नहीं करता है क्या उसमें बहुत सारा स्किल चाहिए हाँ चाहिए इज इट इट वॉज बीग फेवर्ड बाई द रूलिंग क्लास ऐसा हो सकता है कि ये कंडीशन है एक्चुअली पर ऐसा भी तो हो सकता है कि फोक ट्रेडिशंस है वो भी रिलीजियस सब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है ऐसा होता है ठीक है उसमें काफ़ी सारी ट्रेनिंग चाहिए इट्स नॉट दैट कि में चाहिए था उसमें नहीं चाहिए था बट डू टू सर्टन फैक्टर्स दीज डांसिस है सम ग्रेटर ग्रेटर प्रेफरेंस या ग्रेटर प्रायरिटी एंड देर फो इनको क्लासिकल कहा जाता है पर ऐसा नहीं है कि फोक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फोक भी इंपॉर्टेंट है नाउ मूविंग ऑन टू पेंटिंग्स और कौन सी पेंटिंग्स ये देखिए ये एग्जाम्पल है आपका मिनिएचर तो एक पेज पेपर के ऊपर मान कोई पेपर है आपके पास तो पेपर के अंदर एक छोटा सा यहाँ पे पेंटिंग बनी होगी आपके जो कार्टून्स बने हुए एनसीआरटी टी के आर ऑल्सो मिनीचर्स ठीक है सो दीज आर मिनीचर पेंटिंग हाथ से बनाई है प्रिंटेड नहीं ऑब्वियसली ओके okay. तो मिनीचर्स हमारी कंट्री के अंदर पर्टिकुलरली डेवलप हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मुगल्स पर्टिकुलरली मुगल्स के टाइम पे तो हमारे पास बाकी भी है जैसे कि दोज दैट इलस्ट्रेट द जेन टेक्स्ट बट प्राइमरीली मुगल्स के टाइम पे और उसमें भी जहांगीर के टाइम पे अकबर के टाइम पे तो हुआ ही हुआ पर जहांगीर वॉज वॉज रियली फाउंड ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग शाहजहां वॉज इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर तो जहांगीर के टाइम पे द पेंटिंग पेंट फॉर्म्स रियली इवॉल्व ड्यूरिंग हिज टाइम ओवर है और ये पेंटिंग किस चीज़ की बनाते थे आपने देखा होगा बाबर की एक पेंटिंग हमने देखी थी आ, मुगल एम्पायर पे जब चैप्टर किया था तो वो फाइटिंग कर रहे है और वो ब्रेवरी के साथ जीत रहे हैं वहाँ पे ठीक है तो हमने एक वो पेंटिंग देखी थी यहाँ पे देख रहे हैं कि अकबर इज रेस्टिंग सो बेसिकली वी सी द पेंटिंग एसोसिएटेड विद द रूलिंग क्लास उनका कोई प्रोपोगंडा है एजेंडा है उसको मीट कर रहा है एंड एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम कुछ एक्टिविटीज चल रही है उनके कोर्ट के अंदर वो सब चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराती है अब इस आर्ट फॉर्म में एक चीज नोटिस कीजिए द अटेंशन दैट हज बीन गिवन टू दी एक्यूरेसी ध्यान से देखिए मुगल आर्ट फॉर्म्स के बारे में कहा जाता है कि जो उनके फिजिकल फीचर्स है ऐसे नहीं कि किसी को किंग है तो उसको स्मार्ट ही दिखाया है उसको यंग ही दिखाया है अगर उसकी तोंद है तो तों दिखाई है उसका हेयर स्टाइल ऐसे है तो वैसे है दिखाया है उसको तो आप याद कीजिएगा जब हमने मुगल वाला चैप्टर पर देखा था आई एम गिविंग यू मोर रेफरेंसेज ऑफ मुगल्स बिकॉज उनके टाइम पे ज़्यादा काम किया गया था तो आप देख लीजिए जब जिसमें था तिमुरिद तिमूर थे एंड उसके साथ द मुगल किंग्स वर विटिंग ओवर देयर तो उनमें हर एक के आर्ट फॉर्म हर एक के फेशियल फीचर्स देखिएगा बॉडी फीचर्स कितने एक्ूरेसी के साथ डिपेक्ट किया गया है एंड व्हाई डू आई सी दिस लुक एट द दिस फॉर्म ऑफ पेंटिंग तो दिस इज एसोसिएटेड विद द हिमाचली स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग तो यहाँ पे देखिए नाक कैसा है बॉडी कलर कैसा है सो so, उतने एक्यूरेसी पे फोकस नहीं है राधा रिटर्स गिवेन कि जो ह्यूमन बींग्स जो इन जो पेंटर को लगता था आइडियल फीचर्स है उस पर उन्होंने यहाँ पे फोकस किया था ठीक है आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर ओके सो मुगल्स के टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हुई हमारी कंट्री के अंदर एंड देन विथ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल ठीक है तो अबाउट द एटीन सेंचुरी औरंगजेब के बाद औरंगजेब को भी पसंद नहीं था यह सब काम तो ये जो पेंटर से दुखी हो गए क्या क्या है ये आदमी और हमसे तो ये लोग चले इस आर्ट चलेंगे मुगल से हट के मुगल्स पैसे नहीं दे रहे इनको आर्ट पेंटिंग बना रहा है कोई मिनिएचर पेंटिंग बना रहा है पैसे के लिए बनाएगा शौक तो है पर खाना भी तो खाने घर पे सो दे मूव टू द राजपूत पेंट ठीक है राजपूत के पास चले गए सबसे पहले तो राजपूत के लिए पेंटिंग बनाई वो शौक उनको शौक था इन सब चीज़ों का तो पेंटिंग्स बनाई सो लुक एट दिस सो वॉट वी सी इज दैट दीज वर बेसिकली दीपल हु वर ट्रेंड बाय द मुगल पेंटर्स ठीक है तो मुगल टेस्ट के हिसाब से बनाई गई है पर इसमें जो सब्जेक्ट्स है वो रीजनल है तो मुगल एट्रीट्यूट्स भी हमें देखने को मिलते हैं एज वेल एज हम देखते हैं कि रीजनल एस्पेक्ट्स भी फोकस किया है, अब ये हाथी का भी कलर देख लो काला है वैसे ग्रे होना चाहिए था ठीक है तो यहाँ के जो कलर बना रखा है और उसमें कितना फर्क है यहाँ पर बट एक्यूरेसी और उस पर जो अटेंशन है जो मुगल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं वो एस सच वैसे ही है यहाँ पे अब इस रेफरेंस में हमारे पास जो सपने सबसे सिग्निफिकेंट है यहाँ पे मेवाड़ जोधपुर बूंदी कोटा एंड किशनगढ़ तो इन सब की जो हम मिनिएचर पेंटिंग देखते हैं वो अलग अलग है अब इसमें सबसे फेमस जो है दैट इज़ द किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग तो किशनगढ़ इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द वुड वर्क ऑल्सो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है यहाँ पे अच्छा तो मुगल्स तो गए और कुछ करते नहीं थे राजपूत हो गए एक टाइम पे दे वॉज दिस पर्सन नोन एज नादिर शाह मुगल्स की पर्शियन के साथ अच्छी नहीं बन रही थी तो नादिर शाह द किंग ऑफ पर्शिया इन्वेडेड इन टू इंडिया बहुत ह्यूमिलेट किया ठीक है और लूट मार करके वापस चले गए सो दिस वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द प्लेन्स तो जो प्लेन्स थे ठीक है राजपूत यहीं से आएंगे ना वो लोग तो पर्शिया से तो जो ये सारा जोग्राफी थी वो सारी फ्रेगमेंटेड थी टूटी फूटी थी कोई भी कुछ भी करी जाना था तो ये सेफ्टी के चक्कर में दे लेफ्ट द प्लेन्स द पेंटर्स आर्टिस्टिक पीपल एंड दे रीच द प्लेन्स द रीजन्स ऑफ द फुट हिल्स बेसिकली तो हिमालयन फुट हिल्स पर पहुंच गए एंड पर्टिकुलरली पंजाब ऑल्सो सूटेबल नहीं था तो वो कहाँ पहुँचे हिमाचल प्रदेश के अंदर मॉटन डे हिमाचल प्रदेश वहाँ पर पहुँच गए वहाँ पे जैसे कि बसौली हो गया कांगड़ा हो गया वहाँ पे थे सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रास मंजरी भानुदत्ता रास मंजरी और उसकी ये पेंटिंग है यहाँ पे सो दिस इज अगेन अ मिनिएचर पेंटिंग पर देखिए कितना फ़र्क है द वे द स्टोरी हैज़ बीन डिफेक्टेड और एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है दिस इज द फोकस ओवर हेयर वॉज रास मंजरी राइट right? रास लीला सो द फोकस वॉज एसोसिएटेड विथ द सब्जेक्ट ऑफ कृष्णा ठीक है तो कृष्णा रासलीला रा, द राधा कृष्णा ट्रेडिशन उसी पे ये फोकस था यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए इट डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल द बसौली स्कूल तो ये बसौली स्कूल का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे तो देख लीजिए फिजिकल फीचर्स कैसे हैं ठीक है थीके? और कृष्णा लॉर्ड कृष्णा को कैसे डिपेक्ट किया गया हुआ है यहाँ पे एंड आईज देखिए यहाँ पे कैसे खींची हुई है और बड़ी बड़ी आंखें बना रखी है राइट सो दिस इज इट डिफरेंस बिटवीन द मुगल स्टाइल दिस स्टाइल राजपूत स्टाइल एंड नाउ उसके बाद तो नेक्स्ट आता है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग इस पर पे क्वेश्चन आया था सो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग अगर आप ध्यान से देखिए इट्स अगेन वेरी क्लोज इट्स अगेन एसोसिएटेड विदौली पर उसमें एक वेरिएशन है कांगड़ा सो दिस इज सिग्निफिकेंट ठीक है अब कांगड़ा में देखिए देर आर यूज ऑफ सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग ब्लूज एंड ग्रीन तो ब्लूज एंड ग्रीनस पे ज्यादा फोकस है और यहां पर देखिए कैसे कलर्स है so there is a variation in the way the painting was done in the kangra style right so this was a more developed form ek ek naya stage yahan pe bana tha yahan pe ab is reference mein ek cheez bata rahe hain yahan pe एक important चीज़ note करने वाली है about the history, कि historians को पता कैसे चलता है काफ़ी सारा paintings बनी थी miniatures मतलब books में बने होंगे बना रखे होंगे उनको preserve किया होगा पर लोग तो टारगेट करते हैं एनिमीज टारगेट करते हैं और सब लूट मार कर लेते हैं जला देते हैं सो मेनी ऑफ द थिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बट स्टिल ये जो ट्रेडिशन्स थे ऑर्डिनरी वुमेन ऑर्डिनरी मेन उन्होंने भी रखे अपने पास और वो अपने जो बर्तन हो गए अपने पॉटरी हो गए कहीं ना कहीं इसको ड्रा करते थे और उनसे हमें काफ़ी कुछ मिला है जो पैलेस में पैलेसेस में नहीं मिला वो हमें यहाँ से मिल गया ठीक है सो तो बेसिकली वॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट से जो रीजनल जो लोकल ट्रेडिशंस होते हैं मान लीजिए आपको वैसे डायरेक्टली ना मिले बट देर आर सर्टन फॉर्म्स जो नीचे परकुलेट हुए हैं एंड कॉमन लोग आज भी उसको बना रहे हैं उनसे हमें पता लगता है कि क्या होता होगा नेक्स्ट इज द क्लोजर लुक टू बेंगाल द लास्ट पार्ट ठीक है तो हमने मलयालम का देखा था मनी प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड था डायमंड्स एंड कॉरल्स संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज नाउ द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इफ़ यू लुक एट लुके ओवर है राइट याद करिए तो यहाँ पे मगध था बिहार बिहार हो गया मैं थोड़ा एक्यूरेसी नहीं है मैं आपका मेरा मगध के साथ में आपका आ गया बंगाल ठीक है वेस्ट बंगाल एंड देन और ये बेंगाल वाला एरिया क्यों भाई ये अलग से क्यों है बिकॉज यहाँ की जो रिवर्स है आप वेस्ट बंगाल का मैप भी देखिए तो गंगा यमुना सारी यहाँ पे आके आती है डेल्टा बनता है डेंस वेजिटेशन है फॉरेस्टेशन है देवफो द सोसाइटी हेयर वॉज वेरी वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर दी फॉरेस्ट जोग्राफिकल बैरियर्स बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर सो देवफोर अ डिफरेंट ट्रेडिशन वॉज बींग डेवलप्ड तो इस रेफरेंस में बंगाली के बारे में बात कर रहे हैं सो बंगाली के रेफरेंस में बंगाली लैंग्वेज जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी डिराइव फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज ठीक है बट द अर्ली संस्कृत टेस्ट टेक्स्ट जो पहले के जो संस्कृत टेक्स्ट है वो कहते हैं कि द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक सांस्कृतिक लैंग्वेज ठीक है तो जैसे हिंदी हो गया आपका ठीक है आपका मराठी हो गया और डिफरेंट लैंग्वेजेस समवेयर उनके रूट्स संस्कृत के साथ एसोसिएटेड है मलयालम भी देख लिया रूट्स कहीं ना कहीं संस्कृत के साथ एसोसिएटेड है पर बंगाली में दे व कंसिडर्ड इनफैक्ट ये आपका जो वैदिक लिटरेचर है शुरू का समवेयर दे कंसिडर्ड कि ये इम्प्योर है बिकॉज यहाँ पे बोला नहीं जाता हमारी लैंग्वेज बोली नहीं जाती तो बेसिकली वैदिक ट्रेडिशन नहीं आया था दैट्स वे सो दे डिड नॉट स्पीक द सांस्कृतिक लैंग्वेज ओवर गए सो दे यूज़ टू स्पीक अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज बट फ्रॉम द फोर्थ एंड द थर्ड सेंचुरी बी सी ठीक है फोर्थ टू थर्ड्रेड हंड्रेड सेंचुरी बी सी कॉमर्शियल टाइज बिगैन टू डेवलप बिटवीन द बंगाल एंड द मगध तो जब टाइज बनते हैं जब पीपल टू पीपल इंट्रैक्शन हो रहा है डेफिनेटली देर वॉज अ मूवमेंट ऑफ द लैंग्वेज ऑल्सो तो लैंग्वेज पर भी इम्पैक्ट पड़ा सो देन देर वॉज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज

तो गुप्ता रूलर्स वर रूलिंग दे इस्टब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल तो बंगाल में उन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बनाया और ये किंग्स क्या करते थे अपने लोगों को जैसे ब्राह्मण्स वगैरह हो गए उनको सेटल करते थे एंड सेटल करने का क्या फ़ायदा था लेजिटिमेसी टू द किंग एंड एट द सेम टाइम वो जो ब्राह्मिकल ट्रेडिशन अपना और स्प्रेड करेंगे दे विल ट्राई टू ब्रिंग मोर लैंड एंड कल्टिवेशन सो दैट वॉज द आइडिया तो इसकी वजह से दे वॉज द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द गैनजेटिक वैली जहाँ संस्कृत बोली जाती थी इन फैक्ट इन द सेवन सेंचुरी जूअन जैंग कौन थे यहाँ पे किंग किंग हर्षा ठीक है सो ई सजेस्टेड दैट द लैंग्वेज इज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बेंग तो आप देखिए विद इन अबाउट ओमिन्री हंड्रेड प्लस अबाउट थ्री हंड्रेड प्लस अबाउट सेवन हंड्रेड ईयर्स ठीक है तो अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड ईयर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि दे वॉज सांस्कृतिक संस्कृत के साथ एसोसिएटेड थी सांस्कृतिक लैंग्वेज इज विंग स्पोकन इन द बंगाल सो द डिफरेंस एट अ सेकेंड प्लेस हजार साल के अंदर ये चेंजेस आ गए यहाँ पे अब इसी डिफरेंस में बेंगाल ऑल्सो बिकेम दब ऑफ अ रीजनल किंगडम नोन एज दालास अब जो पालास थे हमने जो देखा जैसे कि गुप्ता हो गए सो गुप्ता वर एसोसिएटेड विद द यूपी एंड द बिहार और देवर कंट्रोलिंग ओवर बेंगॉल पर पालास तो बंगाली ही थे सो दे इस्टाब्लिश्ड अ रीजनल किंगडम अंडर बंगाल तो पालास का ढूँ पालास आपको याद है ना ट्राइपाटाट स्ट्रगल हमने पढ़ा था ठीक है तो पालास के अंदर था और उसके बाद भी जब दिल्ली सल्तनेत आ गया दिल्ली सल्तनीत के रूलर्स ने हर, हरा दिया था दे इस्टैब्लिश्ड दे रोन पालास के बाद देवर सेना किंगडम एंड सेना के बाद देवर अदर पीपल तो उनको सल्तनीत ने हटा दिया था बट इवन देन इवन दैन अगर उसको हटा भी दिया उसने सल्तनेट हो गया या मुग़ल हो गया द टेंडेंसी वॉज दैट देर वुड बी अ रीजनल किंगडम ओवर हेयर तो एक हिंदुस्तान हो गया अलग से ठीक है और वो बेंगाल का अपना अलग ही चले जा रहा था तो बेंगाल का अपना रीजनल चले जा रहा था इवन तो डेली सल्तान बड़े बड़े पावरफुल थे बट टाइम एंड अगेन पोलिटिकल कंट्रोल मेन्टेन करना वहाँ मुश्किल था और इसीलिए एक रीजनल कल्चर यहाँ पर डेवलप होता है अब जब मुगल आ गए मुगल वर मोर पावरफुल ठीक है और अकबर के टाइम पे तो सवाल ही नहीं उठता एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी थी तो अकबर के टाइम पे द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑब्वियसली अगर ये एम्पायर के अंडर आ गया बंगाल तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो पर्शियन थी बट पीपल वर स्पीकिंग द रीजनल लैंग्वेज सो इनफैक्ट बाय द फिफ्टींथ सेंचुरी द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स केम टू बी यूनाइटेड बाय अ

तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुरू में एक बार बता ही देता हूँ शुरू में जो था शुरू में दे वो दी बेंगाल पर इतना कंट्रोल नहीं था तो देव फोर द दे वैदिक जो लैंग्वेज थी यहाँ पे सांस्कृतिक लैंग्वेज यहाँ बोली नहीं जाती थी सो दिस वाज अबाउट 400 हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड बी ठीक है बाद में दे वॉज द मेन स्ट्रीम किंगडम्स बड़ी बड़ी किंगडम्स उन्होंने बंगाल को इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने अंदर तो पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया दे सेटल द ब्राह्मन ओवर हियर एंड देव द सेटल द ब्राह्मन एंड देव दे संस्कृतिक ट्रेडिशन्स यहाँ पर आने लग गए देवो इट इन्फ्लुंस द लैंग्वेज ऑल्सो ठीक है उसके बाद आपके मुगल्स आ गए यहाँ पे बट यहाँ का अपना अलग एक कल्चर एक ट्रेडिशन फिर भी इंटैक्ट था तो विच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज द बंगाली जिसमें सांस्कृतिक एलिमेंट्स है तो इसी लिए बंगाली को सांस्कृतिक लैंग्वेज कहा जाता है रूट मतलब उसका एक जो है संस्कृत हार है अब यहाँ पे बंगाली के बारे में यहाँ पे बता रहा है दैट इट इज डिराइविंग इट इज़ बिंग डिराइव्ड फ्राम टू कैटेगरीज या टू सोर्सेज तो एक है विच इज़ इंडेटेड टू द संस्कृत ठीक है तो संस्कृत के जो एपिक्स है आपके या फिर जो मंगला काव्यस हो गए सो लिटरली द ऑस्पिशियस पोएम्स डीलिंग विद द लोकल डाइटीज प्लीज़ मार्क दिस तो अबाउट द लोकल डाइटीज संस्कृत के अंदर एज़ वेल एज जो संस्कृत एपिक्स हो गए आपके रामायणा हो गई महाभारत हो गई वो हो गए या वैष्णव ट्रेडिशंस हो गए अंडर चैतन्य चैतन्य देवा ठीक है तो इनसे सो वन सुवान वस्ती सांस्कृतिक ब्रांच संस्कृत के इन्फ्लुएंस के अंदर है द अदर इज बेस्ड ऑन द नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग्स ऑफ मैनामती गोपी एसेट्रा ठीक है तो जो रीजनल एलिमेंट्स के ऊपर एंड जो सांस्कृतिक एलिमेंट्स के ऊपर तो ये एक दो अलग कैटेगरीज थी यहाँ पे। तो ये प्राइमरीली लोकल ट्रेडिशंस है इट इज़ है। और इसी रेफरेंस में यहाँ पे आपके पास एक ये छोटा सा स्नेपेट है अबाउट दी नाथ्स नाथ क्यों कौन थे वर एसेटिक्स हु इंगेज इन वेराइटी ऑफ योगिक प्रैक्टिस एसेटिक्स मतलब जो सब कुछ छोड़ छाड़ चुके हैं योगा कर रहे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं क्यों बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट सेलवेशन बाई मेडिटेशन ठीक है तो इसके बारे में एक चीज और यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्मा ठाकुर इज अ पॉपुलर रीजनल डाइटी ऑफ एंड वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन और अ पीस ऑफ फूड अब जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन था बिकॉज वी नो हु चैतन्य देवा हमें उन सबके बारे में पता है ठीक है हमें उन सब के बारे में पता है तो सीधी हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं मंदिरों में, में लिखा होगा टेम्पल्स रूलिंग एलिट ने बनवाया है तो पता होगा पर हमें नाथ जो नाथ लिटरेचर और ये सब ये बोलियां हैं ये बोली जाती थी तो इसीलिए हमें इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है नेक्स्ट है पीरस एंड टेम्पल्स ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद द बंगाल अच्छा तो सबसे पहले तो पीड्स के बारे में देखते हैं सो so बेसिकली ये बोल रहे हैं इन द सिक्सटीन सेंचुरी पीपल वी टू माइग्रेट फ्रॉम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल रीजन टू द फॉरेस्टेड एंड मार्शी एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट बंगाल तो आपका जो ढाका और वेस्ट बंगाल हो गया एंड देन जो मतलब बांग्लादेश उसका आप कह सकते हो ठीक है वो वाला एरिया की बात कर रहे हैं तो जितना हम वेस्ट की ईस्ट की तरफ जा रहे हैं उतनी वहाँ पे और फॉरेस्टेशन है उतना लोग वहाँ सेटल अभी तक नहीं हुए थे तो लोग चाहते थे लोग पीपल आर मूविंग फॉरवर्ड नया नया जमीन मिल रहा है नए नए प्रॉस्पेक्ट्स होंगे वो चाहते थे वहाँ पे शिफ्ट होना पर यहाँ पे अब कंसर्न थी कि लोग ट्राइबल लोग होंगे यहाँ पे तो उनको सिविलाइज करना है मतलब इट्स अ रॉन्ग एक्सप्रेशन मेन आई दिस बट द थिंग इज दैट दैट इज वॉट द बुक्स आर राइटिंग इट दिस वे सो टू इनकोपरेट दैम इन टू द मेन स्ट्रीम कल्चर ठीक है दैट दैट इज़ वॉट दे वॉन्टेड टू डू तो इसकी रेफरेंस में जो मुगल्स हैं उन्होंने अपने सोल्जर्स अपने काफ़ी उन्होंने बेसिकली पीरस डिप्यूट किए वो बेसिकली द कम्युनिटी लीडर्स हु इंगेज इन टीचिंग एज वेल एज इन एजुडिकेशन कुछ गलती होती है कोई प्रॉब्लम होती है उसको वो रिजोल्व करते थे तो इनको क्या कहते हैं पीर्स सो दीज व पीपल हु आर रिकार्डेड इन हाई रिस्पेक्ट तो पीर्स को डिप्लॉय दिप, किया था यहाँ पे ठीक है और पीर्स व इन्फ्लुएंसिंग द लोकल सोसाइटी अच्छा जब हम पीर कहते हैं पीर कुड बी एनी बडी पीर इज नॉट जस्ट जो हमने सूफी ट्रेडिशन में पढ़ाता the, uh, है दैट पीर इज एसोसिएटेड विद द विद सूफी ट्रेडिशन जो टीचर है वहाँ पे और वो अपने मुरीद को पढ़ाता है पर यहाँ पे जब हम पीर कह रहे हैं बंगाल के रेफरेंस में इट इज़ पीपल एसोसिएटेड विद रिलीजन येस बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स पीपल सेटलिंग ओवर हेयर इट ऑल्सो इंक्लूडेड पीपल सोल्जर्स हु जिनकी बहुत मान्यता थी उनको रखा गया था या फिर इवन हिंदू एंड द बुद्धिस्ट डेटीज तो उन किसी को भी पीर माना जा रहा है जो बेसिकली जो कम्युनिटी लीडर है ठीक है तो कम्युनिटी जो कम्युनिटी का लीडर है उसको बोला जा रहा था कि आप इस सोसाइटी को देखिए ब्रिंग अबाउट अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी इन द जोग्रफी तो एक तो ये बात है यहाँ पे बंगाल आल्सो विटनेस्ड अ टेंपल बिल्डिंग्स प्री अराउंड द लेट फिफ्टीन सेंचुरी अब इस रेफरेंस में टेंपल बिल्डिंग तो ठीक है पर टेंपल बिल्डिंग के रेफरेंस में आप ये आर्किटेक्चर देखिए थोड़ा सा अलग है ठीक है सो दिस इज़ लाइक अ हैच्ड रूफ़ ओवर हियर तो यहाँ पे बता रहा है कि दो तरह की स्ट्रक्चर से सो वन वाज नोन एज इनकी जो रूफ़ है ये अलग है जैसे कि विलेज वाले घर है वैसे है बट ये कॉन्क्रीट सीमेंट कॉन्क्रीट के बने हुए यहाँ पे तो और इनकी रूफ़ भी थोड़ी अलग है तो इसको बोलती है दो चाला एंड चार चाला ठीक है आप प्लीज़ उसको सी एच ए ए R ही लिखना मैंने ऐसे लिख दिया और इसको दो चाला टू टू वाला ठीक है तो यहाँ पे देखिए इनकी रूफ़ है आप अपने घर के ऊपर देखिए छत पे अभी तो आप देखेंगे एक ही रूफ़ है ना एक सिंगल है पर यहाँ पे देखिए देर इज टू एक यहाँ है एक यहाँ है पे ट्राइंगल सा बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे देखो चार हो गए एक दो पीछे तीन चार तो चार हो गए तो चार तो चाला चा सो दिस वॉज द यूनिक फीचर ऑफ द बंगाली आर्किटेक्चर और ये डोम टाइप का था थोड़ा सा ठीक है तो ये टेम्पल्स बनाए जाते थे अब टेम्पल्स भी हो गए एक तो जो बनाए जाते थे जो बड़े बड़े किंग्स बनाते थे एक हो गया जो कॉमन जो पीपल हु आर जो ठीक ठाक हो गए थोड़े सोसाइटी में बट रूलिंग क्लासे सेपरेट थे तो उन्होंने डोनेशन देख के बनवाए ठीक है सो बेसिकली लो सोशल ग्रुप्स उन्होंने टेम्पल्स बनाए जैसे कि द कोलू कम्युनिटी विच वॉज द कम्युनिटी ऑफ द ऑयल प्रेसर एंड द कंसारी कम्युनिटी विच वॉज द बेल मेटल वर्कर्स अब ये बनवाते क्यों थे इतना खर्चा होता है टेम्पल बनाने का तो क्यों बनवाएंगे और ये भी लोअर ग्रुप से है बेसिक थिंग इज दैट इनकम बढ़ गई इनकम बढ़ गई इन इ सोसाइटी जहाँ पे जॉब बेस्ड सोसाइटी है प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो अगेन सर्टेन चेंजेस इन द सोसाइटी ठीक है कास्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं था इन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्पेशली यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज सो द इनकम इंक्रीज बट स्टेटस नहीं इंक्रीज हुआ स्टेटस वही है जाति नीचे माना जा रहा है इनका स्टेटस so, को इम्प्रूव करने के लिए वो डोनेशंस कर रहे हैं बड़ी बड़ी सो so दैट वो अपने स्टेटस को और ऊपर लेके जा सके ठीक है तो यहां पे बता रहा है अबाउट दो चाला एंड चार चा चौ चाला सॉरी नॉट चार चाला चौ चाला सो फोर रूफ्ड स्ट्रक्चर तो इसी का यहां पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है दिस इज अबाउट द शामपुर शाम शामरिया टेम्पल इन विष्णुपुर इन बंगाल ठीक है और उसके अंदर ये टेराकोटा में एक स्कल्पचर बनाए रखे तो आप देख लीजिए इट्स बेस्ड ऑन द कृष्णा ट्रेडिशन अगेन द फ्रूट प्लेंग कृष्णा इनफैक्ट आप ये सोचिए जरा ये फ्रूट प्लेंग कृष्णा आपने कितनी बार देख लिया होगा अभी तक आपने मिनियचर पेंटिंग्स में देखना आपने स्कल्पचर्स में देख लिया आप किसी भी टेम्पल में जाओ मैं भी जाता हूँ टेम्पल तो मैं फ्रूट प्लिन कृष्णा तो बहुत कॉमन है तो ये इतना कॉमन है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछ लिया कि वाई डू वी सी अ फ्लूट प्लेइंग कृष्णा इस पर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर ठीक है सो दैट्स आई से एस थीम्स है ना ये आइडेंटिफाई करने बहुत जरूरी है सो वन इज कि मैं आपको एक वैसे एक्सप्लेन कर दूँ बट मी मी एज अ टीचर माई आइडिया इज मोर शेयर मोर ऑफ द थीम्स ओवर हियर ओके लास्ट पार्ट द फिश एज फूड ठीक है देर इज नो डाउट अबाउट दिस बेंगाल मीन्स राइस एंड फिश इज वेरी वेरी कॉमन ओवर हियर एंड सो मच सो सो मच सो दैट इवन द ब्राह्मणस वर हु आर सपोज टू ईट नॉन वेज फूड वो भी यहाँ पे फिश खा लेते हैं तो एज पर यह प्रोहिबिटेड था अंडर द फॉर द ब्राह्मण बट अंडर द बृहद धर्मा पुराना ये परमिशन दे दी गई थी दैट द लोकल ब्राह्मणस कुड ईट दर्टन वराइटीज ऑफ फिश ठीक है तो ये एक टेम्पल के अंदर एक डिस्क्रिप्शन है अबाउट लेडी प्रिपेरिंग द फिश तो दिस इज इन द विशालक्ष विशाला विलाक्ष, विलाक्ष विशालाक्षी टेम्पल आई एम वेरी बैड विद प्रोनाशन आलमगढ़ ठीक है तो ये आपका आरमगढ़ अरम, में है तो ये है अब ये जो टेम्पल्स हैं ना प्लीज इनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना नेट से ठीक है एनसीआरटी के अंदर है तो नेचुरली ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ कुछ कम्युनिटीज के नाम थे वो प्लीज लेख देख लेना ठीक है सो दिस इज़ ऑल ये थीम्स को एक बार देख लेना मिनी एचर पेंटिंग्स के बारे में हमने देखा था तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल फीचर्स ये सब इम्पोर्टेंट है राइट सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस पर्टिकुलर वीडियो राइट सो वी लर्न अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स अबाउट द रिश्नल कल्चर सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रेपरेशन थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग एंड बाय बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट